हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुनेरिया। ठीक है, गुनेरिया क्या होता है ये जानते हैं। गुनेरिया इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया नेशेरिया गुनेरिया। ठीक है, गुनेरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो गुनेरिया होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, जो कि बैक्टीरिया जो होता है नेशिया गुनेरिया उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, इट टेंड्स टू इन्फेक्ट वार्म्स मोइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी। ये जो गुनेरिया होता है ये वार्म्स एंड वार्म है मोइस्ट एरिया जो होता है उनको अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द यूरेथ्रा, आईज, थ्रोट, वेजाइना, एनस एंड रिमोडरी सिस्टम। ठीक है, गुनेरिया पासिस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वेनल और वेजाइनल सक्सेस। ठीक है, फिर इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी देखते हैं क्या होता है। तो गुनेरिया इज कॉज्ड बाई नेशेरिया गुनेरिया हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, इसके पास मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इट इज़ ए ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकल बैक्टीरियम। ठीक है, इट इज़ ओवल आर बीन शेप कोकस डैट लैक ए कैप्सूल एंड वेरीज इन साइज। इट इज स्प्रीड थ्रू सेक्स बट ए मैन डजंट हैव टू इजैकुलेट इन ऑर्डर टू पास। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं साइन एंड सिम्टम इसके देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज फ्रॉम द वेगाइना वेटरी क्रीमी और स्लाइटली ग्रीन होता है। ठीक है, पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन। ठीक, हैवियर पीरियड्स आर स्पॉटिंग। ठीक है, सोर थ्रॉट हो जाएगा, पेन अपर इंगेजिंग एंड सेक्सुअली इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शार्प पेन इन द लोअर एब्डोमन एंड फीवर आ जाता है, टू नीड द यूरिनेट मोर फ्रिक्वेंटली। फिर हम देखते हैं इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जैसे डिवाइड होते हैं, जैसे कि फीमेल अलग होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं, एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन लगभग सेम होते हैं। तो इन फीमेल देखते हैं क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। ठीक है, हो सकती है, फिर बार्थोलिनिटिस हो सकता है, पेरी हेपेटाइटिस हो सकता है, फिर एक्टोपिस प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इन मेल्स में इपरिडाइमिटिस हो सकता है, क्रॉनिक प्रोस्टेटिस होता है, यूरेथ्रा डिस्ट्रिक्टर होता है, एंड इनफर्टिलिटी हो सकता है। फिर कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड साइक्लेमाइडिया इन्फेक्शन। फिर एनोरेक्टल गुनेरिया हो सकता है एंड फेरिंजियल गुनेरिया हो सकता है। फिर इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली इसे देख के हम पता कर सकते हैं। फिर सेकेंड होता है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स लेके। ठीक है, एंड एंजाइम एमिनो एसिस एंजाइम के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो गुनेरिया ट्रीटमेंट इज इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में गुनेरिया ट्रीटमेंट कुछ एंटीबॉडीज से डर होता है, जैसे कि सेफ्रिएक्सोन होती है और एजिथ्रोमाइसिन होती है। इफ़ ए पर्सन इज़ एलर्जिक टू सिफालोस्प्रिन एंटीबायोटिक। ठीक है, गुनेरिया ट्रीटमेंट फॉर पार्टनर्स आल्सो शुड गो थ्रू टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर गुनेरिया इवन इफ द सी हैज और नाउ साइन एंड सिम्टम। गुनेरिया ट्रीटमेंट फॉर बेबीज बॉर्न टू मदर विद गुनेरिया हु डेवलप द ट्रीटमेंट इन इन्फेक्शन एंड ही एंड बी ट्रीटेड एंड एंटीबायोटिक। इसके मतलब कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ये गुनेरिया जो होता है ये मदर टू बेबी में भी हो सकता है इनटू। ठीक है, इसमें हमने सीखा क्या, पहले तो हमने सीखा कि मतलब कि गुनेरिया होता क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है गुनेरिया के कारण, फिर डायग्नोसिस उसकी क्या होती है, लास्ट में ट्रीटमेंट। तो आप आज आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल नोटिफिकेशन टू माई चैनल्स। थैंक यू।